कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र जैन, श्रीमती सरोज जैन, रजत जैन, सुनेना जैन, शौर्य जैन, रितिका जैन, श्री अतुल जी जैन, भारतीय जनता पार्टी से 2024 लोकसभा क्षेत्र इंदौर के संभावित उम्मीदवार, गुरु भक्त परिवार, रायगढ़ मध्य प्रदेश, श्री घेवर चंद जी, श्रीमती चंदभान जी बोरा एवं समस्त बोरा परिवार, सोग्रस चांदवड़ जिला नासिक महाराष्ट्र। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्यों ने हम लोगों के लिए प्रतिदिन कुछ ऐसी बातों का स्मरण दिलाया है या पाठ पढ़ाया है या यूं कहो उसके द्वारा हमारा पथ सन्मार्ग की ओर हम जाएं। कुफत से सतपथ की ओर जाना आज के युग में बहुत कठिन है, किंतु इतना यदि हो जाता है तो समझ लो मुक्ति जब तक न मिले तब तक वह उस लाइन से चल सकता है। बहुत दूर है मुक्ति ऐसा न मान करके, दूर तो है लेकिन हमारा यदि असतपथ हमेशा बना रहेगा तो वह दूरी भी अखरेगी नहीं और सब कुछ मिलता जाएगा। उसमें सर्वप्रथम उन्होंने बताया शास्त्राभ्यास हो, शास्त्रों का अभ्यास करें, किंतु वह शास्त्रों का अभ्यास करें जो हमारे समझ में आए। सबसे उत्तम यह है चार अनुयोगों में प्रथमान योग का यदि हम जैसा हमारा जीवन उसी प्रकार पूर्व में भी कईयों का जीवन व्यतीत हुआ, किंतु उनमें से कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने विश्व के लिए उदाहरण स्थापित किया। उनके जीवन में कष्ट तो ऐसा जैसा बिल्कुल घनघोर वर्षा हो रही हो, लेकिन उनको भी उन्होंने बहुत ही शांति के साथ भोगा और अपने जीवन को आदर्शमय बनाया। शास्त्रों में उन्हीं की कथाएं, उन्हीं के जीवन चरित्र, उन्हीं का एक प्रकार से विशेष अर्थ सहित कुछ कुछ प्रसंग हम लोगों को पूर्वाचार्यों ने दिया है। ये शास्त्रों के अभ्यास का संक्षेपीकरण। जिनपत नीति है, जिन्होंने अपने आप को जीता है, कर्मों को जीता है, अपने इंद्रियों को जीता है, अपने आप को आपे में रखा हो, तो फिर क्या कहना। इनमें से एक आध भी बात हो जाती है तो जिन बनने में देर नहीं लगेगी। जयति इति जिनः, दूसरे को क्या जीतना चाहते हो। दूसरे बहुत बार जीते गए लेकिन वे गए, उनसे न उनका अभाव, उनका कुछ उद्धार हुआ न हमारा उद्धार हुआ। हमें उसे जीतना है जिसके द्वारा उसका भी उद्धार हो और हमारा भी उद्धार हो, या तो जीर्णोद्धार हो।
हम जीर्ण शीर्ण होते जा रहे हैं, इसलिए जीर्णोद्धार की बात मैं कर रहा हूँ। जिनपति नुति इनकी स्तुति करते रहे हैं। संगति सर्वदारयी, जिनपति नुति संगति सर्वदार, हम संगति कैसे करें जिससे हमारी गति सुधर जाए। उसकी गति बहुत अच्छी मानी जाती है जो संगति हमेशा हमेशा अच्छा रखता है। बहुत कुछ शाभास जो अज्ञानी है उनसे लेने की अपेक्षा या और कोई दुष्टों के साथ रहने की अपेक्षा एक व्यक्ति ऐसा जो सज्जन है जिनके साथ रहने से क्या होता है, मान लीजिए उन्होंने इत्र का प्रयोग किया हो हैं और हाथ से किया हो, जहाँ कहीं भी लगाया लेकिन हाथ में भी वह सुगंधी उसका यदि मान लो थप्पड़ भी मिल जाता है एक हफ्ते भर काम हो जाता है, ये इसका अर्थ है। इसलिए संगति सर्वदार्य आर्य ही संगति सर्वदा स्यात्। आर्यों के साथ जो गुणवान होता है गुणी होता है, और जो गुणवान नहीं उनके लिए भी गुण पैदा कर देने वाला होता है उनका नाम आर्य बोलते हैं। ऐसे आज मैंने खंड 5-6 खंड हैं किंतु आर्य खंड हमेशा हमेशा महापुरुषों को जन्म देने के लिए माना गया है। संगति सर्वदारी सद्वृत्ता नाम गुणगण कथा, हमें दूसरों की कथा करना है लेकिन विकथा से बच कर के रहना है। सुबह से लेकर के शाम तक हम रटते चले जाते हैं दूसरे के दुख की कथा, अथवा यूं कह दो दुष्ट कथा ही करते रहते हैं। इससे तो हमारा जीवन सुधरने वाला नहीं है, इसलिए दूसरों को भी उन विकथाओं से वाद विवादों से और दुष्ट कथाओं से रौद्र ध्यान की बातों से ये सारे सारे हम बच जाएं, दूसरों के लोभ के लिए भी बचाएं, तो इससे बढ़कर के और कोई सत्कथा नहीं होती। संगति सर्वदारी सद्वृत्ता नाम गुणगण कथा दोष वादिच मौन, फिर भी दोष तो कभी कभी लग जाते उससे मौन रहो। गांधी जी अपने मुख पर यूं दोनों हाथ रखे, इसका क्या अर्थ है, दोष अपने मुख से किसी के कहने में न आए। तो दोष वादेच मौनम, दोष की कथाओं से हमेशा हमेशा हम मौन रहे। मौन रहना अपने आप में एक प्रकार से अच्छी कथा की ओर ही जाना है। हम और विकथाओं की ओर जाने की अपेक्षा से पुराण पुरुषों की कथाओं को ही हमेशा हमेशा ध्यान में रखें, यही हमारे छोटे से जीवन का सार है। संगति सर्वदारी सद्वृत्ता नाम गुणगण कथा दोषवादी सर्वशापी प्रिय हित वचु, सभी के साथ यदि बोलना आवश्यक है बोलो किंतु हित मोलो, जिससे उनका भी हित हो और अपना भी हित हो। मित्र थोड़ा सा बोलो ज़्यादा न बोलो, बोलते गए तो क्रियापद ही नहीं लग गए, हाँ दो दो पृष्ठ का एक एक वाक्य बन जाए, उस अपेक्षा से हित मित मिष्ट
मिष्ट जानते हो, मिठाई। हाँ, तो मिठाई जैसे हम खा रहे हों ऐसा श्रुति मधुर जिसको बोलते हैं, कर्म प्रिय जिसको बोलते हैं, दोषवादी से मौनम सर्वशापी प्रिय हित वचो, सभी जीवों के प्रति सामान्य से प्रिय वचनों का हमेशा हमेशा व्यवहार करना चाहिए। ये सब बातें भगवान कब तक, जब तक आपका साक्षात्कार नहीं हो, मुक्ति का लाभ न हो, तब तक ये हम थोड़ी सी बातें आपसे मांग रहे हैं, आपसे मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आज सोच रहा था थोड़े से आप लोगों के कानों के लिए विश्राम मिल जाए, किंतु आपका भाग्य था हमारा मुख बोल पड़ा। ऐसा परम धर्म की जय। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, अहिंसा परम धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कभी कभी सुनते तो हैं अतिवृष्टि, कभी कभी सुनते हैं अनावृष्टि, कभी कभी सुनते हैं फसल पूरी आ चुकी और उस समय वर्षा हो जाती, किंतु इतिहास में कभी ऐसा नहीं मिलता कि पूरा का पूरा वैशाख ही प्रतिदिन वर्षा हो। मैं सोचता था कि वैशाख में 300 पौने 300 किलोमीटर, अब जाना तो कैसे जाए, लेकिन प्रतिदिन डोंगरगढ़ आने तक प्रतिदिन वर्षा बिजली तड़कना और बाजा बजना चलता रहा और समय पर संग पहुंच गया। इसी के साथ साथ यही पर वहां वर्षा इत्यादि हो रहे ऐसा नहीं, अन्यत्र भी इस प्रकार की वर्षाएं वैशाख में भरपूर हो गई। अभी अभी प्रतिष्ठाचार्य जी जो एक प्रकार से बम्बोरी है सिलवाने के पास है, पंच कल्याण के लिए गए। हमने कहा थोड़ा सा अंतराल वगैरह रखा करो और सभी ठीक ठाक है, हमें तो लगता नहीं ठीक ठाक है, देख लो। तो वहीं पर जिस दिन उनको जाना था उसी दिन पहुँचे हैं। हाँ, कोई भी आगे पीछे नहीं, दूसरे ही दिन कार्यक्रम प्रारंभ। मध्यान्ह में ऐसी थोड़ी सी बहुत हवा जिसको बोलते हैं झोंके आने लगे थे और एकदम चारों तरफ से गर्जना करते हुए ऐसी वर्षा हो गई, पूरी की पूरी जो पंच कल्याणक स्थान था
उसमें पानी पानी लबालब भर गया। वैसे के वैसे ही वहीं के वहीं अभी यह पंच कल्याणक स्थगित किया जा रहा है। बाद में देखेंगे ऐसा नहीं, अभी स्थगित किया जा रहा है। तो एक दो दिन के बाद काम आ गया, प्रारंभ हो गया। फिर उसने देखा ये लोग अभी भागे नहीं। क्योंकि कई स्थानों से जनता आती है, उसका भी पुण्य होता है। और उस दिन भी ऐसे तूफान के साथ, तो वहाँ के उस चौकने में सब लोगों ने कहा आज तक हमने ऐसा पंच कल्याणक नहीं देखा जो तूफानी। तूफानी पंच कल्याणक नाम पड़ गया। जब नाम रख ही दिया तो हमें भी नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि श्री जी का पंच कल्याण हो रहा, दो तीन महाराज वहाँ पर विद्यमान है, उनको कम से कम मुहूर्त अच्छे ढंग से निकालना चाहिए। अच्छा क्या आज तक ऐसे हुआ ही नहीं, ऐसा पंच कल्याण का हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं है, जिसको सभी लोग भावना से पुष्ट हो करके कोई कार्य करते हैं तो होता है। बहुत दिन से वह रुका हुआ था, वहाँ पर विशेष रूप से एक श्रावक रहते थे हमारे, भी दो तीन बार वहाँ से आना जाना छिलवाने वगैरह हुआ। वो अपने काल में ही करना चाहते थे, लेकिन अपने काल में यदि वो करते तो तूफानी नहीं कर पाते। ये पक्का है। किंतु उनके धर्म पत्नी ने भी कहा था नहीं, ये हमारा तो संकल्प है, उसको करना था, इसलिए अब करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी करना हो। ऐसी भी भावना दंपति महोदयों के होती है, नहीं तो दूसरे का ये कह दे वो तो है ही नहीं, और कहाँ हम आपका इस प्रकार तो कर नहीं पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे, पहले से संकल्प है इसलिए तो वह हो के ही रहेगा। संकल्प एक ऐसी वस्तु होती है, वह बड़ा अद्भुत काम करता। संकल्प के माध्यम से ही मोक्ष मार्ग में हमें सफलता मिलती है, चाहे आप कुछ भी कर लो। शुरुआत से ही वह संकल्प हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे भावनाओं में ओत प्रोत रहे। एक दिन में दो तीन बार यदि इस प्रकार के संकल्प दोहराए जाते हैं, मन में लाते हैं, अच्छे संकल्प की बात मैं कह रहा हूँ, बुरे संकल्प के द्वारा तो बहुत कुछ हो चुके हैं, किंतु अच्छे संकल्प अभी सुन करके आपको बहुत व्यथा होगी, लेकिन यह सही कथा है। उड़ीसा में के बहुतों का अभाव हो गया, और एक सामने सामने उसके टक्कर हो गए, एक के दो तीन जो है डिब्बे आदि एक दूसरे से धड़ गए, और भी कुछ हुआ उसके साथ, मालगाड़ी के ऊपर जाकर के गिर गए। तो इस प्रकार होने से वहाँ पर उस
घटना को टाल नहीं सके ड्राइवर वगैरह, और ये घटना घट गई। अब इसमें देखो कुछ ऐसे यात्री भी संकल्प लेकर के चल रहे थे, 108 समझ लो, अब क्या करें। तो 108 सारे सारे संकल्प के साथ चले हैं चिकमंगलूर, जिसको बोलते हैं चिकमंगलूर, बेंगलुरु नहीं चिकमंगलूर, हाँ प्रसिद्ध है ये। हाँ गांधी जी के वहाँ, यहाँ पर वह हार गए तो वहाँ पर जाकर के जीत गए। ऐसा हुआ था। तो वहाँ से यात्रीगण 108-110 समीर शिखर जी के संकल्प हेतु निकले थे। उनको कुछ भी नहीं हुआ कर, हमारे यहाँ आयुक्खयेन मरणम कहा गया, आयु के क्षय हुए बिना मृत्यु नहीं हो सकती, ये दृढ़ विश्वास रख करके 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा वह वहाँ से यात्रा के लिए उसी ट्रेन में बैठ कर के आ रहे हैं, और उनके लिए उनका बाल बाका नहीं हुआ, क्योंकि उनको अपने जीवन काल में एक बार कम से कम शाश्वत तीर्थराज समीर शिखर जी का यात्रा हमें करना है, हम इसके बिना इस जीवन के नश्वरता को सार्थक नहीं मनाएंगे, हमारी सार्थकता तो इसी में है, एक बार हमारे लिए उसकी वंदना मिल जाए। तो इस प्रकार बंधुओं, दुनिया में प्रत्येक कार्य के लिए संकल्प होता रहता है, विकल्प होते रहते हैं, ये संसार की प्रकृति है, और हम लोगों के कर्मों के फल की यह संस्कृति है, इस प्रकार फल मिलता है, और यह हम इसको टाल नहीं सकते, और यदि टालते हैं तो उस आयु को कोई भी टाल नहीं सकता, वो उनका मजबूत 108 का आयु कर्म था, और साटा का उदय था, और संकल्प के द्वारा प्रति समय कर्म और बंध रहे थे उसके परिणाम। तो इस प्रकार आज तूफानी पंचकल्याणक का है, और यह 108 व्यक्तियों के जीवन के संकल्प का, और कुछ व्यथा के साथ यात्री भी थे, किंतु क्या किया जाए, यहाँ पर सरकार की तरफ से प्रबंध, प्रधानमंत्री महोदय बहुत हाथों हाथ वहाँ पर जाकर के आश्वासन दिया, उनके लिए सांत्वना दे दी, और भी कुछ अपनी तरफ से वह राजकोष से कुछ करेंगे, लेकिन घटना को कोई टाल नहीं सका। वे भी बहुत दुखित थे, होंगे क्यों नहीं होंगे, हमारे ही जनता में से इस प्रकार के तकलीफ आ करके उनका जीवन अंत हो गया। सभी लोग ये कहते हैं कि किसी प्रकार से एक्सीडेंट वगैरह ना हो, लेकिन वह टलता नहीं, कोई ना कोई हम लोगों के प्रमाद उसमें हो जाते हैं, और वह इस प्रकार घटित होता है। जब तक यह बुलबुला है, बुलबुला समझते हो, हाँ पानी का बुलबुला है, हाँ तो बूंद अलग है बुलबुला अलग है, सुनो तो सुबले, हाँ तो वह होता क्या है कि पानी में से जब छोटे थे
उस समय कोई नली लेते हैं और उसमें एक एक हाँ साबुन का भी पानी कभी कभी बिना साबुन का भी चलता था और उसमें नली ला करके और फूंकते तो अपने आप ही उसमें बुलबुले उठते थे। तो यह उसका क्या सब लोगों को मालूम वो तो फूटेंगे ही, तो उसी प्रकार यह भी एक बुलबुला है। शरीर कभी भी फूट सकता है, इसमें आश्चर्य नहीं। यह बुलबुला अभी भी टिका हुआ है पानी में, इसका स्वभाव समझने का प्रवास करो। समय आपका हो गया, इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक महाराज जी मासोपवास के बाद चर्या हेतु यानी आहार के लिए उठते हैं। और जहाँ श्रावक थे उस ओर चर्या आगे बढ़ाती। एक बुढ़िया एक रास्ते के कोने पर खड़ी है। उसे ज्ञात हो गया था साधु जी आ रहे हैं। श्रावक की विधि के अनुसार वह भक्ति भाव से खड़ी, चारों तरफ घूमते 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 सब सेठ साहूकारों के घरों को लांघते लांघते और उस बुढ़िया जी के, बुढ़िया वैसी बुढ़िया नहीं थी लेकिन फिर भी वह खड़ी थी, वहाँ पर जाकर के खड़े हो जाते। विधिवत आहार परगहन के बाद चर्या प्रारंभ हो गई। भीतर जा कर के उच्च सिंहासन तो नहीं, पाटा के ऊपर बिठाया और चालू कर दिया अर्घ दे करके नवदा भक्ति पूर्वक। आहार हुआ, आहार क्या हुआ, एक प्रकार से परीक्षा है। जो कुछ अपने घर में था उसी का कोई रूप बना करके उन्होंने दिया होगा। देने के उपरांत उस बुढ़िया के कुटिया पर वर्षा ऐसी पानी की वर्षा नहीं किंतु रत्नों की वर्षा।
उस ओर उसकी दृष्टि तो थी नहीं, हमारे यहाँ आहार हो गया। लेकिन योग्य क्या देना क्या नहीं देना हमें ज्ञान नहीं, इनकी चर्या कैसी होगी अब कैसे होगा। तो यह रत्न वृष्टि ही बता रही है आपकी विधि बहुत अच्छी। आहार स्वाभाविक होता है, शरीर को देना होता है, श्रावक जन इसको संपादित करते हैं। उस नगर की के कई सेठ भी थे, उन्होंने भी इसी प्रकार सोचा कि हमें भी इस प्रकार के आहार की विधि बनानी है जिसके द्वारा, और वो भी प्रतीक्षा करना प्रारंभ करते हैं। आहार तो एक के यहाँ हो गया, विधिवत ही होता है, सबने विधिवत कर ली, लेकिन उस दाता ने एक दो बार बाहर देखा है, वर्षा होती है क्या नहीं, तो कोई वर्षा नहीं हुई। बाद में जाकर के बुढ़िया से पूछता है, तुमने क्या दिया था? जो रत्नों की वर्षा हुई। क्या कह रहे हो, हमने क्या दिया था? कुछ भी नहीं दिया था, हम तो इतने सेठ साहूकार है ही नहीं। लेकिन नहीं होते हुए भी स्वर्ग के देव तुम्हारे ऊपर तो बरस गए, और इधर एक बार देखा तक नहीं हमने क्या क्या किया है। तो उसने सीधी सीधी बात कह दी, हमारे पास मुट्ठी भर सरसों थे। सरसों आप जानते हो? हाँ, सरसों थी, उन सरसों को ही पीस करके लपसी टाइप बना करके हमने दे दी। सरसों ये तो बहुत कड़वा होता है, हम कुछ नहीं जानते भी, हमारे पास जो था वो दे दिया। वह कड़वाहट भी मधुरता में परिवर्तित हो जाता है। औषधियाँ बन जाती हैं। 48 मंत्रों के महत्व अपने आप बताए गए हैं, उनमें इसी प्रकार के रिद्धियों के परिणाम बताए हैं। बड़ा अद्भुत है। तो हुआ क्या उनका? महाराज जी कैसे सरसों को ले गए, उनको और बीमारी न हो जाए। लेकिन योग ऐसा था, बरसों का रोग वह दूर हो गया और उनका वह पेट ठीक हो गया। आप सोचो, दिया था कड़वा किंतु बन गया लड़ुआ।
धर्म हमेशा हमेशा भाव प्रदान होता है। और मैं क्या जानूं, आप लोग तो जीवन से ही करते आए हो, फल की ओर कभी भी नहीं देखना। इसका फल तो निर्वाण जब मिलने वाला है तो फिर इसमें सारा का सारा समाहित हो जाता है, इसमें देखने की बात ही नहीं, ये तो पक्का है, ये बिल्कुल पक्का है। टिकट आपने लिया, ऐसा टिकट नहीं है ये बिल्कुल यूं ही चला जाए, नहीं, ये पक्का फलेगा। और जब तक मुक्ति नहीं होगा तब तक सांसारिक सुख वैभव इसके सामने कुछ है ही नहीं। इसलिए आप लोगों को अपने विधि में विवेक को रख करके विधिवत करने से निदान रहित इच्छा के इस फल का फल यह मिले ऐसा भाव न करके, कर्तव्य मात्र करके अपने को यह इस विधि को निर्दोष बनाना है। और अवश्य ही एक भव, दो भव, तीन भव, सात आठ भव ज़्यादा ज़्यादा लग जाए, किंतु पक्का है यह, इसलिए घबराने की बात नहीं है कि यही लोगों को मिलने वाला पहला, फिर बाद में हमारा मिले या न मिले क्या पता, ऐसा नहीं है। यहाँ कभी इस मोक्ष मार्ग में घूसखोरी नहीं होती, 2000 के नोट भी बिक जाते। आप लोग बहुत जोर से तालियां बजा दी, बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा है, इतना ही पर्याप्त है। वह बुढ़िया वस्तुतः अपने भावों को बना करके और सतपथ को प्राप्त करके क्रमशः मुक्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कौन सी वस्तु की किस समय मूल्य बढ़ती है और बहुमूल्य वस्तु की भी कब और कहाँ किससे मूल्य घटती चली जाती, इसके बारे में हमेशा हमेशा ज्ञानी लोग शास्त्रों के आधार पर चिंतन करते रहते हैं और युग को उन पदार्थों का मूल्य बता देते हैं जिनका इस ढंग से करने से विकास होता चला जाता है। ये धनाढ्य है, ये बहुमूल्य वस्तुओं का निर्यात करने वाला है और भी वह कार्य करता है। तो अब देख लीजिए,
एक किलो या चार पांच किलो भुगोनी में दूध थोड़ा सा तपा करके डाल दिया। संकल्प है इसको सुधारना है। यह कुछ ही व्यक्ति तक अपना काम कर रहा है, किंतु इसका मूल्य और इसका उपयोग औरों के साथ भी हो सकता है, तो उसमें संशोधित शुद्ध एकाध आधा चम्मच मान लो आपने क्या डाला, उसको क्या बोलते हैं आप, जामुन, 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 जामुन है। अब आप सोचो, जो ही जामुन उसमें डाला वह है 5 किलो या 10 किलो, और ये है 5 ग्राम हिसाब से, लेकिन जिस सेकंड उसमें डाला उसी समय दूध को कहा उसने, तुम्हारे भीतर क्या क्या है कि मैं बाहर निकाल करके रखने वाला हूँ, और क्या आपका मूल्य है, क्या आपका स्वाद है, क्या है आपके पास सुगंधि और लोकप्रियता, आपके सामने विद्यमान है। बस डाल दिया, ढक दिया उसको, और प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो ही उसका समय हुआ त्यों ही उसको कहा, उसको खोलो और मंथन प्रारंभ कर दो। बहुत जल्दी जल्दी ताज़ा ताज़ा शांति धारा घी नवनीत तो आएगा बीच में। इस प्रकार उसका विकास प्रारंभ हुआ। ऐसी कौन सी उसके पास क्षमता है कि उतने 10-10 किलो दूध को भी वह एक प्रकार से दही बना करके जमा करके आपके सामने रख देता है। कोई बहुमूल्य वस्तु उसने नहीं डाली, लेकिन अल्प मूल्य वाले वस्तु को बहुमूल्य कैसा बनाया जाता है, ये रसायन आपके सामने है। मूल्य को आप बढ़ा सकते हो, किसी के सामने हाथ यूं कर करके मांगा मत करो। आपके पास यदि नहीं होती तो बात अलग है। कुछ लोग मांगने में ही सब कुछ समझते और कुछ लोग बांटने में ही सब कुछ समझते। कुछ बांटना भी तो सीखो। कुछ बच्चे पहले से ही बांटते रहते, कैसे संस्कार उसके, वो भी समूह बना लेते हैं और बांटते रहते हैं। अब ये तो हो गया घी तक यात्रा, घृत तक यात्रा हो गई, अच्छे अच्छे दवाइयाँ उससे बनने लगी, पहलवान लोग भी उसको हाँ मांग करने लगे। सुगंधी बटने लगे और भगवान के मंदिर में
दीपक लगा करके आरती लगा करके आरती होने लगी। जामुन की आरती आपने कभी नहीं देखी? देखिए जामुन तो जामुन है, वह कहता है कि मैं हजारों व्यक्तियों से आरती करवाऊंगा भगवान की, लेकिन अपने आप को मैं खोऊंगा तभी संभव है, अन्यथा नहीं। लेकिन वह खोआ कहाँ है, वह उसी में मिल गया है और इस ढंग से उसने कर दिया। उसके पास खट्टापन था, खट्टापन तक्र जैसा हो गया था वो, लेकिन उसकी सुगंधित जो चीजें हैं हर एक व्यक्ति के लिए मनमोहक बन गए। उसके पास जो क्षमता है उस क्षमता को हमें बढ़ाना है और सबके सामने वह ला करके रखना है। ये घी का जो सत्व मूल्य है, सार बोलते हैं इसको, ये सार है दूध का। दूध में जो सार है वह है घी। जब यह जिसको ये कला याद हो गई तो वह सोचेगा कि मैं अकेले तक क्यों रखूं इसको, इसको और बढ़ाओ और बढ़ाओ। विदेश में घी नहीं है, बटर है, बटर। किंतु उन्होंने कोष में उसका नाम रखा है मिल्क ऑयल। ये दूध का तेल है, क्या करें बताओ। सारा मूल्य घटा दिया है आपने। कहाँ तेल और कहाँ घृत घी। मान लो तेल तो कुछ लग गया, वस्त्र सर गंदा हो जाएगा और गंध तो आता ही नहीं, कुछ नहीं, ये क्या कर दिया आपने। लेकिन इधर ऐसा है ही नहीं, इधर वहाँ पर भी रखो तो सुगंधी बह रही है। यदि मान लो घी तैयार किया जा रहा है मोहल्ले में सारे सारे लोग देसी घी है ये, देसी विदेशी नहीं। आप लोग विदेशी से प्रभावित होते जा रहे हो। अब हम क्या कहें, जबलपुर को आप लोग विदेशी मत बनाओ, किंतु घी देसी घी उन्हें भी दे करके एक बार भारत में क्या क्या होता बता तो बताओ। बताने का यह विषय है, हम उन वस्तुओं के मूल्य को नहीं समझते। यदि समझते हैं तो जानकार हो करके भी यदि इसका उपयोग नहीं करते सब लोगों के लिए, तो यह आप लोगों की कृपणता है अथवा अज्ञानता है। हर व्यक्ति अपने पास जो मूल्य वाला जो पदार्थ है उसको सबके सामने ले आने के लिए विशेष प्रयास करता है, विज्ञापन देता है और उदाहरण देता है, प्रयोग करता है, नहीं समझे। और कुछ समय के लिए मुक्त वह बांटता भी है। ये करना चाहिए, हमारे आचार्यों ने ऐसा ही किया है। क्या किया है सुनो, ऐसे कौन से भाव है जिसके द्वारा
हमारे सारे के सारे मूल्यवान पदार्थ घटिया हो जाते हैं। घटिया घटिया समझते हो क्या? खराब। अरे भैया ये तो घटिया खाने वाली बात है, इसका क्या मूल्य? घटिया अमूल्यवान घटिया। मूल्य ही समाप्त होता चला जाता कुछ पदार्थों के कारण। तो कुछ भाव आप ऐसे करते हैं, बहुमूल्य जो कर्म है भीतर बंधा हुआ है वह भी घटिया हो जाता है। रावण से राम भी बन सकता था, एक ही राशि थी, लेकिन राम बनना बहुत कठिन है क्योंकि वह भारतीय संस्कृति है। और रावण जो है एक प्रकार से भारतीय संस्कृति में नहीं आता, विद्याधर क्षेत्र में रहता है, वहाँ पर सारे सारे विद्याधर हैं तो उन्हें मालूम नहीं है कि कर्म भूमि में होकर के भी क्या क्या किया जाता। वह राम का देश है, वह राम का वास्तव्य है, वह राम के भक्तों वहाँ पर रहते हैं। यह पाप को भी पुण्य बनाने की प्रक्रिया आपके पास विद्यमान है। थोड़े से भाव आप बाजार में क्या कहते हैं, भाव बढ़ाओ, नहीं बोलते? अरे बढ़ा करके तो देख तो लो, आप ले ओ नहीं, लेकिन एक प्रकार बढ़ा तो दो, फिर बाद में आप ही लेने के लिए आतुर हो जाएंगे। बोली बढ़ाओ, बोली ऐसी होती है, कुछ लोग वहीं पर बैठे बैठे कोने में बढ़ाते रहते हैं। तो कहाँ से बोली आ रही है भैया, बाहर तू आ जाओ, बाहर आने की आवश्यकता नहीं। जब इतनी चढ़ जाए वो बोली, फिर बाद में ये कौन है भैया, उस कोने से ही आ रही है आवाज। ऐसा भाव राम ने पूरे जीवन में बढ़ाया, रावण को इसलिए भी प्रिय हो गए। राम दुनिया के सामने तो प्रिय है ही, रावण की खूबी और राम की भी खूबी दोनों ये यहाँ के प्रजा को अपने ढंग से विद्याएं देते हैं। राम की प्रसिद्धि अभी भी होती जा रही है, बदनाम के रूप में रावण अभी भी विद्यमान है। तो ऐसे भाव करो जो राम का अवतार पुनः आ जाए। केवल भावों का खेल है, भाव ऐसे किए बलदेव बने राम, भाव ऐसे किए वो नारायण बने, और वह एक प्रकार से नारायण बन करके निदान करके वह नीचे की गति में चला गया। आप लोगों को ऊपर उठना है क्या, नीचे जाना? ऊपर उठना, अच्छा बहुत अच्छी बात कही। गेंद को थोड़े से धक्का लगा दो तो जिधर ढलान हो वहाँ पर बहुत जल्दी चली जाती, किंतु यदि आप गेंद को ऊपर उठाना चाहते हो तो ऐसे मुट्ठी मारो उसको ताकि ऊपर जाए, चांद जैसे दिखने लग जाए। अपने भावों को आप कम मत समझो, भाव तो भाव होता है, भाव को दुर्भाव और भाव को सद्भाव बनाना आपके हाथ की बात है, आपके सामने हमने रखा है। मिल्क आयल को भूल जाओ,
और घृत सार को, जो सारभूत है, सत रूप में है, और वह थोड़ा सा भी है तो अपना चमत्कार दिखा देता है। भावों में आप लोग उतार करके अच्छा भी कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। कई व्यक्तियों के बीच में आपकी सुगंधि फैल सकती है। केवल हम अपनी वस्तु का मूल्य समझ करके उसमें परिष्कार करने का प्रयत्न करें, और मांगने की बात छोड़ दो। भगवान के सामने जाकर के आप भक्ति तो कर सकते हो, भगवान आप तो जानते ही हैं हमारी क्या दशा हो रही है, रो इस प्रकार रोगे तो ये सबसे ज़्यादा घटिया भाव है। उनको नहीं मिल सकता, क्योंकि बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कौन देगा? तो कोई भी भिखारी आ गया, भैया नहीं समझे, और कोई मोती के लड़ियां देख करके आया, लेकर के आया, भैया आजा। आप लोग ग्राहक यदि कोई अच्छा आ गया, क्या लाओ भाई? दूध लाओ, दूध लाओ, कॉफी लाओ, कॉफी लाओ, कोको लाओ, कोको लाओ, क्यों बोलो? ग्राहक अच्छा है। आप ग्राहक बनाना सीखो बंधु, नहीं ये तो आपकी दशा अच्छा नहीं माना जाता। जिस दरबार में हमें सब कुछ मिल सकता है, अविनश्वर सुख मिल सकता है, तो हम क्यों मांगे? नहीं, मांगने से हमारा भी मूल्य कम होता है। इसको तो कम से कम याद रखेंगे आप, रखोगे? मेहरबानी मेरे ऊपर मत करो, स्वयं के ऊपर करो। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र जैन, श्रीमती सरोज जैन, रजत जैन, सुनेना जैन, शौर्य जैन, रितिका जैन, श्री अतुल जी जैन, भारतीय जनता पार्टी से 2024 लोकसभा क्षेत्र इंदौर के संभावित उम्मीदवार, गुरु भक्त परिवार, रायगढ़ मध्य प्रदेश, श्री घेवर चंद जी, श्रीमती चंदभान जी बोरा एवं समस्त बोरा परिवार, सोग्रस चांदवड़ जिला नासिक महाराष्ट्र।